इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है फिर भी लोगों को नहीं पसंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में किसी भी चीज़ को खूबसूरत आकर्षक बनाने के लिए लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, जिससे कि वो अनोखी चीज़ें पर्यटकों को आकर्षित करें और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आएँ। ऐसे ही अगर हम बात करें चीन की, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें देखने लायक होती हैं। हमेशा ही ये देश अपनी अनोखी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहता है। ऐसे ही चीन में एक बिल्डिंग बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च किए गए हैं इस पर फिर भी लोगों को पसंद नहीं आती है ये। दरअसल चीन के लाइबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग को कुछ इस तरह बनाया गया है कि 121 मीटर ऊंची इमारत से करीब 108 मीटर की एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है, जो खूबसूरत तो है लेकिन लोगों को ये फिजूल खर्चा लग रहा है। आप हमारे इमेजेस में देख सकते हैं कि इस झरने को जो काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है, जिसने इसे बनाया है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम सा बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इस इमारत को लुली इंडस्ट्री ग्रुप ने बनाया है और बताया जा रहा है कि झरने का काम दो पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन बाकी का काम अभी भी चल रहा है जिसे पूरा किया जा रहा है। इस काम के लिए रोज 2,00,000 रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग के मालिक ने ये भी बताया है कि झरने को चलाने के लिए हर घंटे 800 युआन यानी करीब 8,500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में एक शॉपिंग मॉल, कई दफ्तर और एक लग्जरी होटल बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इस झरने के लिए बारिश और जमीन के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक अंडरवाटर टैंक में जाकर जमा हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे इसमें प्रोसेस लग रहे हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है इस एक बिल्डिंग को अच्छी तरीके से क्रिएट करने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये बिल्डिंग और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे भी इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती है। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट।